Good morning, everyone. Last day we have started the chapter A Shirt in the Market and studied few topics of it. And today we shall continue on the same. Let's start the topic Putting out system, weavers producing cloth at home. The merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for cloth. अब मर्चेंट्स क्या कर रहे थे जो उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि आपको किस तरह का कपड़ा प्रिपेयर करना है किस तरह का क्लोथ आपको प्रिपेयर करना है तो वैसे ही वो वीवर्स को आगे जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं द वीवर्स गेट द यर्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ अब वीवर्स क्या करते हैं यान उनको मिलता है और वो उसको तैयार करके क्लोथ बना करके जो है वापस मर्चेंट को देते हैं The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn. The problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven. तो weavers जो हैं ना उनको अच्छे से पता है कि किस तरह का cloth जो है उनको तैयार करना चाहिए। दिस डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रो मटीरियल एंड मार्केट्स मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव ए लोथ ऑफ पावर तो मर्चेंट्स के ऊपर क्या है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इन लोगों की दे गिव ऑर्डर फॉर वट इज टू बी मीट एंड दे पे वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ अब वो लोग ऑर्डर देते हैं व्यूवर्स को और जैसा कपड़ा तैयार करने के लिए उनको कहा जाता है वीवर्स को वैसा ही कपड़ा तैयार करना होता है द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और एट वट प्राइस इट विल बी सोल्ड उनको नहीं पता कि किसके लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं हम लोग और यह कपड़ा किस रेट पर बेचा जाएगा किस रेट पर सोल्ड होगा एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लोथ टू द गार्मेंट फैक्ट्रीज मर्चेंट्स क्या करते हैं गार्मेंट फैक्ट्रीज के जो ऑनर्स है उनको सेल कर दिया जाता है इन दिस वे द मार्केट वर्क मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स तो इससे मर्चेंट्स को तो बेनिफिट मिल रहा है उनको तो अपना प्रॉफिट मिल जाता है पूरा वीवर इन्वेस्ट ऑल दियर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स वीवर्स जो हैं ये लोन लेते हैं इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं किस चीज़ के लिए लूम्स के लिए जो वीविंग के लिए जो मशीन्स इनको चाहिए तो वो लूम्स इंटरेस्ट पे पेमेंट लेकर के जो है लेते हैं परचेज़ करते हैं ये ईच लूम कॉस्ट रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड सो ए स्मॉल वीवर विद टू लूम्स हैज़ टू तो इन्वेस्ट रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड इतना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन अकेला नहीं कर सकता वो काम द वीवर एंड अनदर अडल्टैमिली वर्क अप टू ट्वेल्व आवर्स ए डे टू प्रोड्यूस क्लोथ तो लगभग दस से बारह घंटे को काम करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ इंक्लूड फॉर ऑल दिस वर्क देउट रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ और ये सारे काम के लिए अप्रोक्स इतना अमाउंट जो है इनको अर्निंग्स जो हैं इनकी होती हैं वीवर्स कॉपरेटिव वी हैव सीन दैट द वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट इनको काफी कम अमाउंट मिलता है वीविंग के लिए अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम वीवरस कोपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न ए हायर इनकम फॉर द दीवर तो वीवर कॉपरेटिव क्या हैं एक ऐसी स्कीम जहाँ पर डिपेंडेंसी कम होती है मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आपको और एक अच्छी इनकम जो है आपको आन हो सकती है इन ए कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स तो कुछ लोग यहाँ पे गैदर्स होते हैं इकट्ठे होते हैं और वो लोग क्या करते हैं मिलजुल के काम करना चाहते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम है टिव दीवर फ्रॉम फॉर्म ए ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली तो ये लोग क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के अंदर इकट्ठा काम शुरू करते हैं द्रोकरीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दूव वर्क स्विंग बटन इन ए गार्मेंट फैक्ट्री द एरोज मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूसड बाई द वीवर्स टू ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली तो जो क्लॉथ इन्होंने तैयार किया इरोज मर्चेंट्स जो थे उन्होंने वो कपड़ा कहाँ सप्लाई कर दिया गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो थी न्यू दिल्ली के पास द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स और वो लोग इससे शर्ट्स तैयार करने वाले हैं द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरन बायर्स अमंग द फॉरन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यू एस एंड यूरोप हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स तो ये बिजनेस पर्सन जो हैं फॉरन बायर्स जो हैं वो लोग परचेज करेंगे इनसे और जो बड़े बड़े स्टोर्स चलाते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स चलाते हैं जो लोग दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्ट ऑन देयर ऑन टर्म्स फेस्ड विद सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स द गार्मेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट तो कई बार इनको कट कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ती है कि कपड़ा इजिली प्रिपेयर हो जाए चीप रेट्स के ऊपर हो ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ना करने पड़े हमें दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस ये इनके मैक्सिमम रेट्स हैं इससे कम रेट्स के ऊपर भी इनको लेबर जो है कई बार मिल जाती है द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ए नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ्स शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइज एट ट्वेंटी सिक्स डॉलर दैट इज ईच शर्ट सेल्स एट टी सिक्स डॉलर और अराउंड रुपीज वन थाउजेंड एट हंड्रेड वी मे सी इन दिस पिक्चर द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर रुपीज कितने में परचेज करते हैं लोग थ्री हंड्रेड

कौन लोग थे जो इस तरह के बेचने और खरीदने का काम कर रहे थे मर्चेंट्स डिड दे ऑल गेन एज मच देर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देर वर डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग तो कुछ लोग तो इससे बेनिफिट ले रहे थे जिनको सेल परचेज का बेनिफिट मिल रहा था वो कौन थे मर्चेंट्स और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे थे वो लोग कौन थे वर्कर्स जो तैयार करते हैं काम करते हैं लेकिन बेनिफिट्स किसको मिलते हैं मर्चेंट्स नेक्स्ट इज मार्केट एंड इक्वालिटी कि क्या प्रॉफिट सभी को बराबर मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए द फॉरन बिजनेस पर्सन मेड यू प्रॉफिट्स इन द मार्केट अब बाहर जो एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन करते हैं कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मोडरेट प्रोफिट्स जबकि एक्सपोर्टर जो है जो यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार करवाता है मटेरियल अपना तो उसको इतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो ले जाता है ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफू कवर देअर डे टू डे नीड्स कई बार तो इनको अपने खर्च भी पूरे नहीं हो पाते इनके वर्कर्स की सैलरीज और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कई बार इनको कवर नहीं हो पाते सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एक एग्जाम्पल जो हमने किया था इरोड मार्केट के अंदर तो वहां पे क्या था फार्मर्स जो हैं कॉटन प्रोड्यूस जो करते हैं तो उनको बेनिफिट्स ना के बराबर होता है जितनी उनकी लेबर होती है शायद वो लेबर ही उनकी पूरी हो पाती है बट दे डिड नॉट गेट ए फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वट दे प्रोड्यूस अब उन्होंने क्या किया था कि कॉटन प्रोड्यूस की और कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद वो कहा ले जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए बट उनको पूरी कॉस्टिंग जो है उनको नहीं मिल पाती स्वप्ना स्वप्ना का एक एग्जाम्पल हमने किया था स्वप्ना और उसकी फैमिली वाले जो कर रहे थे जिन्होंने कुछ पैसा भी इंटरेस्ट uh, पर लिया हुआ था द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन कंपेयर टू द व्यूवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस दैन द एक्सपोर्टर बेनिफिट होता है इनको थोड़ा सा बट उतना नहीं होता जितना एक्सपोर्टर गेन करता है नोट एवरी वन गेंट इस तरह से इनमें से किसी को भी बराबर का हिस्सा जो है बराबर की शेयरिंग नहीं हो पाती प्रॉफिट की लेबर फार्मर्स की ज्यादा है वर्कर्स की ज्यादा है बट बेनिफिट कौन ले जाते हैं मर्चेंट्स और एक्सपोर्टर्स जो थे डेमोक्रेसी ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेज इन द मार्केट वेदर इट इज कांता और स्वप्न इफ फैमिलीज डो नॉट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देम सेल्फ एज इक्वल टू अदर्स अब उन लोगों की कितनी अर्निंग्स होती थी कितना वो लोग बचा पाते हैं ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट तिक ग्रो और प्रोड्यूस कि जितनी चीजें वो तैयार कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको बेचने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ अब फार्मर ने क्या किया कॉटन प्रोड्यूस किया सेलिंग की उसको और फिर वीवर ने क्या किया क्लॉथ प्रोड्यूस किया उससे ऑन अदर हैंड इट इज़ यूजली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सीम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट कि जो जितना बड़ा ऊपर का हिस्सा जो है जैसे ट्रेडर्स थे तो वो ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं और वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं मैक्सीम अर्निंग्स जो हैं उनको होती हैं इसकी जो लोग इन क्लॉथ्स को तैयार कर रहे हैं और अपनी शॉप्स के अंदर उसको सेल के लिए रखते हैं वर्कर्स को इतना अमाउंट नहीं मिल पाता जितना ये लोग प्रॉफिट्स के अंदर ले जाते हैं सेल करने के लिए दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ऑन द फैक्ट्रीज द लार्ज शॉप्स लार्ज लैंड होल्डिंग्स एटसेट्रा ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं लार्ज शॉप्स हैं सेलिंग के लिए एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं जिनके पास द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स और गरीबों को कहाँ रहना पड़ता है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट कि पहले अपनी क्रॉप्स के लिए पैसा लेंगे उनसे उधार फिर अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे फिर उसके बाद जितना भी बेनिफिट होता है वो सारा ऊपर के लोग ले जाते हैं दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ देयर गुड्स एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी है ऊपर के लोगों के ऊपर बिकॉज ऑफ़ दिस डिपेंडेंसी द पुअर आर एक्सप्लोयटेड इन द मार्केट देर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कॉपरेटिव ऑफ प्रोड्यूस एंड एश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली ऐसे स्टेप्स क्रिएट किए जाएँ जहाँ पर इन वर्कर्स के बारे में भी सोचा जाए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं लेबर करते हैं बट इनको जो बेनिफिट नहीं मिल पाते इन लोगों की अर्निंग्स काफी कम रह जाती हैं तो उस चीज के लिए कुछ सोचने की कंडीशंस तैयार की जाए गवर्नमेंट प्लान्स करें इन लोगों के लिए ओके स्टूडेंट्स रीड दिस लेसन केयरफुली थैंक यू